अस्सलाम वालेकुम सोने और मनमोने लोगों, आज हमें दावत दी गई है एक शादी पे जो कि पाकिस्तानी नेशनल सिंधी शादी है लेकिन पूरे सऊदी माहौल में है। तो हम आज अब जहां आए हैं मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन क्योंकि पूरे सऊदी स्टाइल में है इसलिए टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो ये इंट्रोडक्शन है, तो बाकी बातें जो है वो बाद में होंगी। पीछे आप देख सकते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और उस तरफ जो है दूल्हा साहब और उसकी फैमिली है। तो थोड़ी देर में फंक्शन शुरू होता है, तो फिर बाकी बातें बाद में रिकॉर्ड होती हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए गुड बाय। ये यहाँ पे मेहमानों की तवाज़ो का इंतज़ाम है, सऊदी कावा वगैरह दिया जा रहा है और साथ में खजूरें दिए जा रहे हैं। ये यहाँ पे ट्रेडिशनल है एक, और जो लोग मौसम की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके लिए ये कमरे का इंतज़ाम है। यहाँ कमरे में आप बैठ सकते हैं एसी के। ये है मेरे दोस्त नजम साहब। और नजम साहब कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे शादी पे आके एंजॉय कर रहे हैं? यहाँ पे आपको ये सब लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं जो इस शादी में शिरकत के लिए आए, लेकिन अब इंतज़ार करते करते हॉल से बाहर घूम फिर रहे हैं और खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम समेत मैं भी इन्हीं में शामिल हूँ। हमें अब शादी की फिक्र नहीं रहेगी, हमें अब खाना लगने की फिक्र रह गई है कि जल्दी जल्दी लगे, खाएं और फिर निकलें यहाँ। मंजर आप देख रहे हैं, ये खाने का मंजर है और हम खाने से फारग हो चुके हैं। तो हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट हम यहाँ से अब निकल लें, फिर आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। तो हुआ ये कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि दूल्हा की एंट्री होगी, मैं रेडी रहा कि जी वीडियो ऐसे बनाऊंगा, इस एंगल से बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, कोई सिंधी साउंड चलेगा, कोई यहाँ पे डांस का फंक्शन होगा वगैरह वगैरह वगैरह, और वो सारी ख्वाहिशें और ख्वाब दरे के दरे रह गए कि अचानक ऐलान हुआ रोटी खुल गई है। और रोटी खुल जाने की खबर सुने बंदा तो उसके बाद किसे होश, दूल्हा किधर है, शादी किधर है, किसे होश रहती है फिर। और फिर वही हुआ, आके खाना वाना खाया, खाना खा के मदहोश हो के और अब स्कूल से बाहर निकल आए। तो ये रही हमारी शादी, और अब क्योंकि हमने खाना खा लिया अब इसलिए रुकने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। गिफ्ट विफ्ट जो है वो हम दे चुके हैं, वो आते ही हमने पकड़ा दिए थे। तो अब घर वालों के फंक्शन है, वो जाने, उनका काम जाने, अपना काम आने का हो गया है इसलिए अब निकलते हैं। और दिल से ढेर सारी दुआएं हैं बच्चे के लिए जिसकी शादी हुई है। ये छोटा सा फंक्शन था, मुझे एक्सपीरियंस है सऊदी शादी का, सऊदी तरीके की शादी का। वहाँ पे फंक्शन बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है, हल्ला गुल्ला होता है, डांस होता है, म्यूज़िक होता है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होता है। लेकिन ये क्योंकि अपने सिंधी शादी थी तो अदा स्टाइल थी, तो इसलिए ऐसी हुई है। तो चलें ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नई जो शादीशुदा दुल्हा है, दुल्हन है, कपल है, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए और हंसता मुस्कुराता रखे। इसी तरह यहाँ अंधेरा है इसलिए मेरा चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। सोचा था यहाँ पे कोई डिफरेंट कुछ करेंगे, ऊपर जहाज़ भी गुजर रहा है, कोई परदेसी आ रहा है या जा रहा है, यही लाइफ है अपनी। वो उधर बैठे हुए ना लिख रहे थे पैसे देने वाले के, पैसे भी देने हैं, हमने पैसे वैसे दिए नहीं क्योंकि हम गिफ्ट ले आए थे, तो हमने गिफ्ट ही दिए उन्हें। तो
तो इसलिए मुफ्त का खाना नहीं खाया हमने। चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।